प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी राज्यों में आज रैली, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तेलंगाना में होने वाली वो रैली जिसके जरिए पिछड़ों को साधने की बीजेपी की कोशिश है। इसीलिए सवाल ये, अभिज्ञान जी आइए, बैकवर्ड कार्ड से कांग्रेस की कार्ड बीजेपी ने तलाशी? नहीं, मैं ऐसे थ्योरी को नहीं मानता। हाँ, लेकिन जो विनोद अग्निहोत्री पॉइंट रख रहे थे, जो आप पॉइंट रख रहे थे, ये गंभीर मुद्दा क्या है और लोगों को जरा सरल करके मैं कोशिश करता हूँ। मैंने अपनी किताब में भी ये प्रयास किया है, क्योंकि जाति जो है वो बहुत पेचीदा विषय है। सरल करके बताने की बात यह है कि 2014 के बाद से जी, विद द राइज ऑफ नरेंद्र मोदी एंड हिज प्रोजेक्शन एज अ बैकवर्ड, सबसे बड़ा हिंदुआइजेशन शिफ्ट जो भारतीय जनता पार्टी के हक में हुआ वो बैकवर्ड का हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कार कर दिया कि सवर्णों को साथ रख के वो बैकवर्ड को अपने साथ ले आई। अब प्रॉब्लम ये हो रही कि कास्ट सेंसस को जब से उछाला गया है, और आपको स्वाभाविक है जब उसके आंकड़े कभी भी निकल कर आएंगे तो वो फ्रिटर करेगी जातियों को, नई जातियां उभर सकती हैं, ऐसा पता चल सकता है कि फला जाति के तो ज्यादा आंकड़े हैं। इस देश में बड़े बड़े नेता 3% 2.5% की जाति लेकर, नीतीश कुमार से लेकर रामविलास पासवान तक राष्ट्रीय राजनीति करते हैं। सो देयर विल बी अ केस ऑफ कास्ट असर्शन। बीजेपी स्मार्ट इनफ टू रियलाइज दिस एंड सो इज कांग्रेस। तो ये इतना आसान विषय नहीं है कि किसको क्या लाभ हो जाएगा, किसको एकदम से, अगर आप 2 महीने से देखिए जी बिल्कुल। लेकिन रामकृपाल जी, जिस तरीके का नैरेटिव है कांग्रेस की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही है, जाति जनगणना कराओ, हम जिन जिन राज्यों में सत्ता में आएंगे जाति जनगणना कराएंगे, जाति जनगणना ताकि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी भागीदारी वाली बात, एक जो बात कही जा रही थी जिसका अभी जिक्र कर रहे थे अभिज्ञान जी यहाँ पर, कि साहब देखिए ना, आप सबसे बड़ा पिछड़ों का चेहरा कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसे में जो कहा जाता है कि एक दौर ऐसा आया कि कमंडल में ही मंडल समा गया, लेकिन अब ये जो विपक्ष अपनी राजनीति आगे बढ़ा रहा है तो ये तो कमंडल वर्सेस मंडल वाली राजनीति, और उसी की काट के लिए अब पिछड़ों को साधना जरूरी है। देखिए, जैसा कि अभी आपने भी एक बात कही थी जी, नरेंद्र 2014 के बाद से जो पिछड़ों का 37% करीब करीब, और ये सिर्फ एक राज्य में नहीं है, ओवरऑल देश का हिस्सा है, 37% पिछड़े जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि 14 में, 17 में, 19 में, 22 में वो इंटैक्ट रहे हैं, कोई उसमें से कहीं नहीं गया है। अब जैसे एक नया आया है कास्ट सेंसस की बात, जैसे कुछ हो रहा है, अभी अभिज्ञान जी ने जो एक बात कही थी, मैं आपको यहाँ पहले भी कोट कर चुका हूँ, बहुत बड़े हिस्टोरियन और फिलोसफर रहे हैं भगवत शरण उपाध्याय, उनकी एक किताब है भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण, बहुत पुरानी किताब, उन्होंने उसमें लिखा था कि ये जो बैकवर्ड क्लास है ये जन्मना द्विज न होने से कर्मणा द्विज होने की तरफ बढ़ेगा, यानी वे तमाम कर्मकांड जो हिंदू समाज के हैं उसको अपनाएगा, क्योंकि उसका सोशल एम्पावरमेंट का एक ही तरीका होता है कि मैं कैसे ब्राह्मण की तरह दिखूं, कैसे राजपूत की तरह दिखूं। हाँ बताओ। और ये जो बात इन्होंने कही कि बीजेपी ने, मोदी ने एक बैकवर्ड, कि मैं बैकवर्ड हूं और राम का भक्त हूं, राष्ट्र का भक्त हूं, तो ये जो फ्यूजन किया उसको अब चाहे वो जो जो भी रीजन रहा हो, आज बीजेपी के पास जो 37% है उसमें बढ़ोतरी हो न हो उसको बचाए रखने की सबसे बड़ी जरूरत है। जो ये सारी एस्पिरेशन सिर्फ कास्ट से जुड़ी हुई होगी, यहाँ पर क्लास को लेकर जो एक एस्पिरेशन होती है कि वो जो लोअर मिडिल क्लास है वो चाहेगा कि वो मिडिल क्लास तक पहुंचे, और इसके लिए अगर रिजर्वेशन एक हथियार के तौर पर उसको मिलेगा, तो क्या उसको धार देती हुई यहाँ पर ये जातिगत जनगणना की राजनीति नजर नहीं आएगी? और क्या एक वो तरीका नहीं हो सकता है चैनलाइज करने का, खुद को ऊपर लाने का, और उसी वजह से क्या मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति 2.0 में देखने के लिए मिलेगी? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।